देखिए अभी पिछले दिनों हमने एक वीडियो दिखाया था आस्था मोटर्स लोसल का, जहां पर एक मार्शल गाड़ी तैयार की जा रही थी। तो आज ही वो जो मार्शल गाड़ी है वो ये को तैयार हो चुकी है। और ये जो मार्शल गाड़ी थी जब ये यहाँ पर आई वर्कशॉप के अंदर, तो इसकी हालत ये देखिए, ये फ़ोटो देखिए कि ये जो फ़ोटो दिखाई दे रही है आपको, ये मार्शल गाड़ी की हालत थी जब ये यहाँ आई थी। और उसके बाद इसका इन्होंने इसकी कटिंग करके इसको उसका जो मॉडिफिकेशन किया है उस और करते हुए से पहले जो हमने एक वीडियो आपको पहले भी दिखाया था कि किस तरह इसका मॉडिफिकेशन हो रहा है, आज ये इसका मॉडिफिकेशन पूरा हो गया है। तो अब ये देखिए कितना बढ़िया इसका लुक बन गया है और ये इन्होंने एक तरह से यूटिलिटी व्हीकल बना दिया है। तो आस्था मोटर्स के अर्जुन जी सेजमा हमारे साथ है। अर्जुन जी, इसमें क्या क्या किया आपने? मतलब नमस्कार सभी दोस्तों को, राम राम। और जो अपने शौर्य गर्जना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल घूमता कैमरे के सभी दर्शकों का स्वागत है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मार्शल गाड़ी है इसको हमने, ये अपने इसके मालिक संजय जी अपने साथ में है, तो ये मेरे पास आए और उनकी इच्छा थी कि मेरे को इस गाड़ी को थोड़ा यूटिलिटी व्हीकल बनाया जाए और उसमें एक थार का लुक भी आना चाहिए। तो इनकी इसी मांग को देखते हुए यानी इसी की छत वगैरह काट के पीछे से जो सीटिंग है वो हटा के इसमें मॉडिफिकेशन का काम किया है। एक मिनट आप है ना, मैं अभी पहले जो हमारे दर्शक हैं उनको ज़रा ये दिखाइए कि आपने काम क्या क्या किया है। बता दूं कि आगे जो फ्रंट है वो बम्पर इसमें नया डाला गया है, वही कंपनी का जो गाड़ी में बम्पर आता है। यहाँ पे फ्रंट में हेडलाइट है इसमें नई डाली गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं महिंद्रा की बैजिंग लगी हुई है। इसके बाद में अपन साइड प्रोफाइल की बात कर लें तो इसकी जो पेटी होती है उसको बढ़ाया गया है ताकि इसका जो लुक है वो अपने थार गाड़ी की तरह लगे। इसके बाद में अपन इस साइड में आ जाते हैं तो इधर अपने ये इंडिकेटर हैं नए डाले गए हैं। इसके बाद में जो साइड गोले हैं वो भी नए डाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि सर, इस गाड़ी में जो ये फेंडर और ये जो पायदान है फुटरेस्ट है इसका भी कॉम्बिनेशन किया गया ब्लैक कलर में कि गाड़ी बहुत ही सुंदर लगे। इसके साथ साथ में इसमें जो साइड ग्लास है वो अपने बोलेरो SO Lux के लगाए गए हैं जिससे गाड़ी दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ पर साइड में आप देखें तो थार CRD की हमने बेजिंग जो कंपनी की आती है वो यहाँ पे लगाई है जो बहुत ही सुंदर लग रही है। इसके बाद में अपन इधर की बात करें तो टायरों पे भी जैसे जो मार्का लगा हुआ है उसको हमने वाइट कर दिया है जिससे गाड़ी है वो दूर से आकर्षक बहुत ही ज़्यादा लुकिंग लग रही है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने 4x4 का जो लोगो है वो भी लगा दिया है। तो अपन बैक साइड की बात करें तो जो संजय जी हैं गाड़ी मालिक हैं उनकी इच्छा थी कि मेरे को पीछे की लाइटिंग चेंज करवानी है और वो बहुत ही लुकिंग लगनी चाहिए, तो उनकी इच्छा के अनुसार हमने इसमें SLX की जो पीछे की लाइटें लगा दिए। इसके बाद में अपने आप पीछे देख रहे हो अपने वर्कशॉप का जो टायर का कवर है वो लगा हुआ है। आप देख पा रहे हैं आस्था अलाइनमेंट डेंटिंग पेंटिंग वर्कशॉप जहाँ पर सभी गाड़ियों का कम्प्लीट काम एक छत के नीचे होता है। ये महिंद्रा का आप फिर यहाँ पर बेजिंग देख पा रहे हैं, ये पीछे से लाइट आ गई और इस साइड प्रोफाइल में भी गाड़ी में सेम वर्क किया गया है। और पीछे की छत को भी हमने यहाँ से कट करके और पीछे इसमें कुछ भी सामान डाले हैं और उसको आराम से देख सकें, इसके लिए ग्लास लगा दिया गया है। अपन अंदर की बात कर लें तो इसमें आप देख पा रहे हैं इसकी सीटिंग है वो लग्जरी सीटें लगाई गई है जो कि अपने इनोवा गाड़ी फॉर्चुनर गाड़ी में आती है। अंदर मैटिंग है, साउंड सिस्टम है वो सारा लगाया गया है और अंदर की स्टेयरिंग है वो अपने नए मॉडल बोलेरो SLX की इसमें लगा दी गई है और उसके ऊपर है जो ये स्टेयरिंग कवर भी बहुत सुंदर लगाया गया है। तो इसके इस गाड़ी को जो मॉडिफाई कराई है वो संजय जी भी साथ में हैं। संजय जी, पहले आप बताओ कि आ थाने गाड़ी मतलब आप मॉडिफाई करवाई थाने दी मार चली तो पा कहीं बुरी वो लुक क्या करायो? मॉडिफाई इसलिए करवाया कि हमें अच्छा लुक भी चाहिए था और खेत के में पर्पज में काम लेने के लिए। तो मतलब ये आपने जो पीछे इसको यूटिलिटी बनाया मतलब डाला जो लगवाया है, हाँ। तो ये कि खेत के काम के लिए लगवाया? हाँ जी। तो आप किसान हो मतलब, हाँ। है तो आपने ये मतलब कि गाय भैंस के लिए चारा वगैरह लिया हो पीछे? हाँ, जो भी है खेत में जो भी काम होता है इससे काम चला ले। हाँ, जो भी सामान आ जाए। नहीं तो मार्शल का लुक भी तो अच्छा है, तो थार क्यों पसंद आपको? वो आजकल बाजार में इसका ट्रेड है ना, तो अच्छे अच्छे क्रेज है। अच्छा अर्जुन जी, ये इन्होंने जो ये करवाया है ये जो गाड़ी मॉडिफिकेशन करवाई है तो आपने इसमें जो इतना काम किया है तो क्या मतलब खर्चा क्या आ गया होगा इसमें? सर मैं खर्चे की बात करूँ तो आपको बता दूँ कि इसमें जैसे सीट कवर है, डेंटिंग पेंटिंग है, पार्ट्स है वो सारा इसमें, लाइटें वगैरह सारा नया डला है और म्यूजिक सिस्टम भी इसमें हमने नया लगाया है।
तो इसका खर्चा लगभग 1,20,000 रुपए के आसपास इनकी टोटल खर्चा इस गाड़ी पे हुआ है। अच्छा अच्छा, मतलब कोई भी यदि आदमी कोई अपनी मॉडिफिकेशन कराना चाहे तो उसकी ज़रूरत के हिसाब से खर्चा होता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो उसकी अगले की ज़रूरत के अनुसार खर्चा हो जाता है। वो यदि चाहता है तो ये 90,000 रुपये में भी काम हो सकता है, वो चाहता है तो 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000 तक जा सकता है। और जो गाड़ी यहाँ आती है उसकी कंडीशन? हाँ सर, जो गाड़ी आपके पास मॉडिफिकेशन के लिए आती है उसकी कंडीशन पर भी कोई फ़र्क पड़ता होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीज़ें उस पर निर्भर करती है कि पहले से गाड़ी की क्या कंडीशन है। तो अर्जुन जी, ये जो आपने गाड़ी मॉडिफाई की तो कितना टाइम ले लिया आपने इसमें? इसका सर हमने टाइम ले लिया लगभग इसमें सर 30 दिन हमको लगे। 30 दिन? जी। तो महीने में ऐसी कितनी गाड़ी तैयार कर सकते हो अभी? क्या सर, महीने में अपन देखा जाए तो 2 गाड़ियाँ आराम से तैयार हो सकती है इसमें। 2 गाड़ी तैयार कर सकते हैं। और ये करते आप कहाँ पर है? लोसल में? लोसल में, लोसल में। ये जो पीछे आपका जो वर्कशॉप दिख रहा है इसी के अंदर है? जी जी जी।